ग्वालियर शहर में भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से एक रही कैलाशवासी राजमाता विजयराजे सिंधिया की 102वीं जयंती पर सियासतकालीन छत्री परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन परंपरागत श्रद्धा भाव से किया गया। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां राजमाता माधवराज सिंधिया, पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, पुत्र महाआरवन सिंधिया के साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, तुलसीराम सिलावट सहित पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, रुस्तम सिंह पटेल, सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष लाल सिंह आर आदि लोग मौजूद रहे। सभी ने कैलाशवासी राजमाता विजयराजे सिंधिया को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें एक महान जनसेवक और परोपकारी नेता बताया। राजमाता जी के चरणों में नमन, और जो राजमाता जी का संकल्प था आज हो सकता है उनके हम जो उनके अधूरे काम हैं उनको पूरा करने का संकल्प लें उनकी जयंती पर।